हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 जून 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो आज आर्टिकल आया है वो आया है अल्मा टेलीस्कोप के बारे में। तो क्या है अल्मा टेलीस्कोप, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अल्मा टेलीस्कोप है, उसका मतलब है आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सबमीटर एरे। तो ये आपको ध्यान रखना, एक टेलीस्कोप है जो कि है कहाँ पे, अब नाम से समझ में आ गया होगा। आटाकामा आ गया तो आपको पता है कि आटाकामा एक डेजर्ट है जो कि मेनली साउथ अमेरिका में, तो उसकी लोकेशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखो, ये जो अल्मा जो टेलीस्कोप है ये किसी एक कंट्री के द्वारा स्टार्ट नहीं बनाया गया, मतलब एक कंट्री ने इसको नहीं बनाया, काफ़ी कंट्रीज ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम है उसके तहत आपस में कोऑपरेशन करते हुए इसका निर्माण है वो की है। तो हमारे लिए सभी कंट्रीज़ का नाम इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, तो हमें इतना याद नहीं रखना है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि किसी सिंगल कंट्री का नहीं है और ना ही इसमें इंडिया का कोई लेना देना है, तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जैसे यूरोपियन यूनियन की ऑब्जर्वेटरी है साउथर्न वाली, इसके साथ ही नेशनल साइंस फाउंडेशन है, इसके साथ देखा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस है, इसके साथ जापान भी शामिल है इसमें, इसके साथ ही कनाडा भी इसमें इंक्लूड है और जो आसान है वो भी इसमें इंक्लूड है ताइवान की, तो मतलब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे शामिल हैं। तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो एक अल्मा प्रोजेक्ट है वो किस रिलेटेड है। देखो, अल्मा प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली चिल्लू में इसको स्थापित है वो किया गया है और इसका मेन फोकस ये रहेगा कि भाई जो ब्रह्मांड में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी रहस्य है ना, काफ़ी एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उन सब के बारे में जानकारी लाने के लिए इसका बेसिकली फोकस है वो किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो कॉस्मिक रेज होती है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती हैं, उन सब के बारे में भी इसके पर्दा है वो फास्ट हो जाएगा, मतलब इस रहस्य का जो भी पर्दा है वो सामने आ जाएगा। तो उस सब को लेके इसमें स्टडी वगैरह है वो की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि है कहाँ पे। तो अब हम देख लेते हैं लोकेशन। लोकेशन इसकी है पेरू में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चिल्ली है, सॉरी पेरू नहीं, चिल्ली, और यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका अर्जेंटीना भी आ जाता है आटाकामा डेजर्ट का। तो मैं हम डेजर्ट के भी यहाँ देख लेते हैं। ये देखो, मैनली मैक्सिमम हिस्सा जो आटाकामा डेजर्ट का है वो चिल्ली वाले एरिया में आता है। चिल्ली देखो, आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी मतलब पैरेलल है और ये मेनली आपको पता है वेस्टर्न कोस्ट पे, और ईस्टर्न कोस्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे अर्जेंटीना है और ऊपर ऊपर आता है यहाँ पे पेरू। चलो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि साउथ अमेरिका की कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, यूपीएससी पूछ सकती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बताना है कि जो पेम्पोस हैं वो किस तरीके के ग्रास लैंड होते हैं, पेम्पोस के बारे में आपको बताना है कि पेम्पोस कौन से ग्रास लैंड होते हैं, उष्णकटिबंधीय हैं या फिर सवाना है, जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताने हैं। तो अब चलते हैं हम आगे। अगली जो हमारी न्यूज़ आती है वो आई है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में आयुष्मान भारत स्कीम है उसको लॉन्च किया था, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान हैं वो किए गए हैं। देखो, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, आप एक तरीके से कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग की है कि भाई लोगों को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो दिया जाए, और उसकी दिशा में एक छोटा सा कदम है वो उठाया गया है। तो आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना वो मेनली नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जानी जाती है, और इसमें एक्चुअली एक दो तरह के काम होंगे। एक तो लोगों का इंश्योरेंस है वो किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस, इसके साथ ही वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो ओपन किए जाएंगे। अब जो इंश्योरेंस लोगों का किया जाएगा वो किया जाएगा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था ना 2011 का, उसके डाटा के आधार पे जो लोग गरीब हैं या जो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं उनको एक्चुअली हर साल 5 लाख तक का बीमा है वो दिया जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस, और मैक्सिमम ऐसा दिया जाएगा 10 करोड़ लोगों को। तो अप्रोक्सीमेट देखा जाए, अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं कि एक कंट्री में एवरेज 5 लोग हैं तो देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ लोगों को इस चीज़ से फायदा वो होने वाला है। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये आपको ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पॉन्सर्ड स्कीम को कर रही है। इसके बाद में बात अगली आती है कि इससे फायदा क्या होगा। इससे देखो, फायदा सबसे बड़ा हमें ये होने वाला है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल के टारगेट रखे गए हैं हमारे देश के द्वारा वो हम अचीव कर लेंगे। इसके साथ ही बात आती है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ भी एक छोटा सा कदम वो शुरू हो गया है, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सभी को तो अभी नहीं प्रोवाइड करा सकती, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव एक तरीके से स्टार्टिंग है वो कर दी है। तो इस स्कीम के बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार आया है कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है ना, इसके लिए काफ़ी स्टेट ने, लगभग 20 स्टेट हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इसे टाइप कर लिया है और वो इसको इम्प्लीमेंट है वो करने वाली हैं। क्योंकि देखो, आपको पता है कि हेल्थ है वो मेनली स्टेट लिस्ट में जाता है, तो इसलिए हेल्थ के ऊपर जो ज़्यादा फोकस है वो किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। तो होगा क्या, इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा है वो दे देगी स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को या तो खुद कोई किसी कंपनी के थ्रू मतलब इंश्योरेंस वगैरह वो करवा देंगी, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन ये रहता है किसी एनजीओ वगैरह, किसी भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट वगैरह की हेल्प से लोगों को हेल्थ कवरेज है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा वह है पेरेंटल लीव के बारे में। तो देख लेते हैं कि पेरेंटल लीव क्या होती है, और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं।
देखो, यूनिसेफ की एक रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई इंडिया है उसमें कोई भी पॉलिसी नहीं बताई गई अभी पेरेंटल लीव के बारे में, तो उसको लेके यहाँ पे फोकस है वो किया गया है। मेनली अकेला इंडिया को फोकस नहीं किया गया है, देखा जाए तो 90+ कंट्रीज है, मतलब 90 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जिनको इस रिपोर्ट में फोकस है वो किया गया है कि भाई वहाँ पे पेरेंटल लीव वगैरह है वो नहीं दी जाती हैं। अब आपके दिमाग में बेसिकली आएगा कि भाई क्या होती है पेरेंटल लीव वगैरह, तो इसे भी हम देखते थे। बस ये ध्यान रखने कि इंडिया ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी लॉ वगैरह नहीं बना रखा है, मतलब कोई भी पॉलिसी वगैरह नहीं है गवर्नमेंट की फिक्स कि लोगों को लीव वगैरह दी जा सके। देखो, तीन तरह की लीव होती है मेनली, एक तो होती है मेटर्निटी लीव और एक होती है पेरेंटलिटी लीव और दूसरी होती है एडॉप्शन लीव। जो मेटर्निटी लीव होती है वो वुमेन को दी जाती है जब वुमेन के बेबी होने वाला था उस स्टेज में दी जाती है नॉर्मली, और ये बच्चा होने से जस्ट पहले और जस्ट बच्चा होने के जस्ट बाद ये लीव हो काउंट की जाती है। इन लीव का एक्चुअली यूज़ है वो बच्चे की देखभाल के लिए किया जाता है ताकि माँ है वो बच्चे की देखभाल है वो कर सके, तो ये तो होती है मेटर्निटी लीव। इसके बाद में आती है पेरेंटल लीव, तो ये पेटर्निटी लीव है ये एक्चुअली दी जाती है बच्चे की केयर करने के लिए। जैसे बच्चा कोई बात नहीं ठीक है एक साल का हो गया, अब उसके बाद बच्चे की भाई फोकस उसकी वगैरह का भी और ध्यान रखना पड़ता है, उसकी केयर वगैरह भी तो करनी पड़ती है ना, उसके लिए दी जाती है पेटर्निटी लीव। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मेनली मतलब बच्चे की केयरिंग के लिए लीव है वो दी जाती है। अब राइटर ये बता रहे हैं कि देखो हमारे देश में जो पेटर्निटी लीव है ना इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं है कि भाई पेटर्निटी लीव कितनी होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए, क्या है, इसके बारे में कोई भी क्लियर मतलब कोई रूल वगैरह नहीं है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे देती हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती हैं, इस तरीके का सीन है वो चलता रहता है। तो यूनिसेफ ने कहा कि भाई पेटर्निटी लीव है वो भी देनी चाहिए और उसके लिए बात यहाँ पे फोकस हो की गई है। अब बाद में आती है एक एडॉप्शन लीव। एडॉप्शन लीव सिंपल सी होती है, जैसे किसी को पास किसी ने अगर अपने कोई भी बाहर से बेबी वगैरह उसको एडॉप्ट किया है तो उसकी भी देखभाल वगैरह करनी होगी ना, तो उस कंडीशन में उसको लीव वगैरह दी जाती है पेरेंट्स को, वो कह जाती है एडॉप्शन लीव में। तो ये यहाँ पे तीन तरह की लीव होती है, तो यूपीएससी पूछ सकती है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में ध्यान है वो रखना है। इसके साथ ही यूनिसेफ ने ये कहा है कि इंडिया में जो मतलब बच्चे के पिता होते हैं उनको कोई भी लीव वगैरह नहीं जाती है। देखो माँ को तो क्या होता है कि बेबी को बर्थ होती है उस टाइम पे माँ को तो लीव मिल जाती है, बट बच्चे के पिता हैं उनको कोई लीव नहीं जाती है। इससे क्या होता है काफ़ी सारे नुकसान हो जाते हैं, काफ़ी बड़े नुकसान इस प्रकार होते हैं, एक तो जो फैमिली होती है आजकल काफ़ी छोटी होती है तो उसकी वजह से पेरेंट्स मतलब माँ बाप हैं वो दोनों ढंग से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि सारी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं माता पे ही आ जाती है। तो पिता को भी छुट्टी देने की या पिता को भी मतलब बच्चे के होने के बाद लीव वगैरह देने की बात है यहाँ पे की जा रही है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो अभी गवर्नमेंट कुछ प्लान तो करिए बट अभी तक एक्टिव फॉर्म में नहीं है कि लगभग 90 डेज की जो पेटर्निटी लीव है वो दी जाए। उसके साथ ही एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आती है, वो आती है सुपर डेड कैंपेन। सुपर डेड कैंपेन है ये एक्चुअली यूनिसेफ के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मोटो ये था, नाम से थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जो बाप है मतलब पिताजी हैं उनके लिए मेनली इसको स्टार्ट है वो किया गया है कि जो पिता है उनको एक्चुअली एक्टिव रोल है उनका वो निभाया जा सके। देखो बच्चा पैदा होने के बाद पिता का भी काफ़ी सारी अहम रोल होते हैं, उनके भी काफ़ी जिम्मेदारी होती हैं, अगर वो डेली वर्क ही करते रहेंगे अपने बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसीलिए उनके पिता के एक्टिव रोल को निभाने के लिए यंग चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में ये डेड कैंपेन ने स्टार्ट किया गया था, सुपर डेड कैंपेन यूनिसेफ के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको ये चीज़ वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इंडिया में पेटर्निटी लीव के बारे में कोई क्लियर पॉलिसी वगैरह नहीं है, केवल मेटर्निटी लीव के बारे में प्रावधान वगैरह किए गए हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है सौजल स्कीम के बारे में। तो अभी गवर्नमेंट ने जो 115 बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट थे उनमें डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम है वो चलाए थे, और रिसेंटली उसी जो 115 बैकवर्ड जिले थे ना उसी में एक्चुअली सौजल स्कीम है वो स्टार्ट की है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है वाटर का, तो देखो पानी है वो आता है स्टेट लिस्ट में, ये आपको अच्छे से पता है, यूपीएससी पूछ भी सकते हैं क्योंकि आजकल 2-3 साल से हमेशा पानी चर्चा में ही रहता है। अब देखो सौजल स्कीम में ये प्रावधान किया गया कि जो कम्युनिटी या जो समुदाय है ना वो क्या करती है थोड़ा सा पैसा तो वो देती है और बाकी मैक्सिमम जो पैसा है मतलब 90% जो पैसा होता है वो देती है वहाँ की गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है लोगों को पैसा देती है और उसके बाद जो वहाँ की कम्युनिटी या जो समुदाय के लोग हैं ना वो पीने के पानी के प्रोग्राम है उसको अरेंज करते हैं और किस तरीके से सस्टेनेबल जो वाटर सप्लाई है उसको अरेंज करना है वो सारे काम उनके द्वारा किए जाते हैं, और जो भी मेंटेनेंस वगैरह होती है वो सारे कम्युनिटी के लोगों के द्वारा ही वहन वो की जाती है। मतलब इसमें कम्युनिटी आगे आती है और वो गवर्नमेंट से पैसा लेके फिर वहाँ पे पीने के पानी वगैरह का मैनेजमेंट वगैरह का सारा काम करना कि लोगों को पानी है वो आराम से सप्लाई हो सके उसके लिए काम है वो करती है। 90% पैसा वो गवर्नमेंट देती है, ओनली 10% पैसा वो कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है। ये पीने के पानी की सप्लाई को एक तरह से कंटिन्यू रखने के लिए या बाधा नहीं है उसमें उसको लेके ये स्कीम है वो चलाई गई है सौजल स्कीम, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी कंटेक्स्ट जैसा मैंने आपको बता दिया कि 115 जो एस्पिरेंटल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पे भी इस स्कीम को आगे दी है वो दी गई है। तो अभी गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ फंड वगैरह एलोकेट किया, तो फंड तो देखो इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट। देखो ये जो सौजल स्कीम है, एक दूसरी स्कीम और भी है जिसका नाम है रूरल वाटर सप्लाई। ये एक्चुअली गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, वो आई थी 2009 में। इस स्कीम का मेनली नाम था, वो था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। देखो आपको पता है कि वाटर स्टेट लिस्ट में आता है। अब ये तो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट है वो घर घर जाके लोगों को पानी सप्लाई कर रही है, उसका अरेंजमेंट वगैरह करेगी। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो थ्री टीयर होता है ना पंचायती राज, जो कि आपको पता है कि 11th शेड्यूल में बात की गई है उसकी, इसके तहत मतलब पंचायती राज के तहत ये जिम्मेदारी पंचायतों को दे देती है कि भाई आप है वो लोगों के लिए पानी की सप्लाई वगैरह को सुनिश्चित करो और आपके पास ये पावर रहेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी खुद नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है पंचायतों को पावर दे देती है कि भाई आपका काम है वाटर सप्लाई को अरेंज करना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप उस एरिया में लोकल होते हो। इसलिए तो 11th शेड्यूल के तहत पंचायतों के पास पावर होती है कि रूरल एरिया में वाटर की सप्लाई किस तरीके से करनी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने जो सौजल स्कीम के लिए जो फंड दिया है वो दिया है NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज प्रोग्राम के तहत, जो कि 2009 में चलाया गया था। और इस प्रोग्राम के तहत 50% पैसा है वो देता है स्टेट गवर्नमेंट और 50% देता है वो देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था ना कि 90% पैसा गवर्नमेंट देगी, 10% कम्युनिटी, तो जो 90% उसमें से क्या हो जाएगा 50% दे देगी स्टेट और 50 दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा ही इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या सारे जो प्रावधान मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो अपने अल्मा प्रोजेक्ट के बारे में था, सॉरी टेलीस्कोप के बारे में था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, वो आता है अपाची हेलीकॉप्टर की डील है। यूपीएससी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली अपाची हेलीकॉप्टर की डील वगैरह किसके साथ हुई थी, क्या है अपाची वगैरह। देखो अपाची हेलीकॉप्टर की डील है वो इंडिया ने यूएसए के साथ की है, मतलब यूएसए इंडिया को 6 अपाची हेलीकॉप्टर वो देने वाला है। अब इनकी खासियत क्या है, देखो एक तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इनमें लेजर वगैरह का यूज़ किया गया है, इसके साथ ही ऑल वेदर कनेक्टिविटी में भी यूज़ होंगे, इसके साथ ही नाइट फाइटिंग फीचर्स है, मतलब एडवांस वेपन्स वगैरह इसमें इंस्टॉल किए गए हैं, तो कहीं भी फ्यूचर में कोई भी इंडिया की सिक्योरिटी का कंसर्न होता है तो उस दौरान इनका यूज है वो किया जा सकता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यूपीएससी पूछ लेगी कि भाई रशिया के साथ है, फ्रांस के साथ डील है, किसके साथ है। जैसे कि जो सबमरीन की डील थी वो आपको पता है कि फ्रांस के साथ की गई थी, तो इस तरीके से कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, वहाँ पे कन्फ्यूज वगैरह में नहीं होना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ली आर्ट के बारे में, वर्ली पेंटिंग के बारे में, तो इसे हम देख लेते हैं। देखो जो वर्ली पेंटिंग है वो एक्चुअली वॉल पे की जाती है, मतलब दीवार पे की जाने वाली पेंटिंग है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब बात की जाती है आगे कि भाई ओरिजिन वगैरह कहाँ है, कहाँ क्या की जाती है। वर्ली पेंटिंग वेस्टर्न घाट में ओरिजिन है वो हुई थी, और ये जो पुरानी जो पेंटिंग है उनमें से एक है। और ओरिजिन कहाँ से हुई थी, वेस्टर्न घाट में एक्चुअली महाराष्ट्र है ना, उसके एरिया से इस पेंटिंग की शुरुआत हो गई थी। वहाँ पे एक ट्राइब है जिसका नाम है वर्ली, तो वर्ली ट्राइब ने अपने नाम पे इस पेंटिंग का नाम वो रख दिया। और ये पेंटिंग एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर थी, मेनली ये पेंटिंग है वो नेचर बेस्ड होती है, मतलब इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, इसके साथ ही जो थीम होती है वो भी नेचुरल ही होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में यूपीएससी पूछ सकती है कहाँ से, वेस्टर्न घाट वगैरह है, ईस्टर्न घाट या नॉर्थ ईस्ट वगैरह, तो हमें ध्यान रखना कि भाई है कहाँ की। अब यहाँ पे अगली बात आती है, वो आती है माउंट डियो टिबावा। तो ये देख लेते हैं माउंट डियो टिबावा है क्या। माउंट डियो टिबावा है वो एक्चुअली पीर पंजालो रेंज है ना हिमालय की, उसकी सेकंड हाईएस्ट पीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। न्यूज़ में देखो इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया की जो वुमेन नेवल टीम थी उन्होंने एक्चुअली इसको फतह वो किया, मतलब उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई है या एक तरह से आप बोल सकते हो कि माउंटिंग है वो कंप्लीट की है, तो उसको लेके भी है न्यूज़ में है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, यूपीएससी पूछ लेगी माउंट डियो टिबावा है कहाँ पे, आप सोचोगे कि यार एवरेस्ट में है, पता नहीं कहाँ पे है, जो भी है, तो ध्यान रखना है कि पीर पंजाल रेंज पे और हिमाचल प्रदेश में है। बस ये दो चीज़ याद रखना, पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश, बस एग्जाम में अपना काम है वो बन जाएगा। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।